नमस्कार, प्रणाम। मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की खास खबर। प्लान ये है कि आज जैसे कि 23 से थैली बंद करने का जो गवर्नमेंट का अभियान है, या कह सकते हो कि भारत को, या फिर मैं तो कहूँगा कि धरती को जो प्लास्टिक मुक्त करने का अभियान है, उसमें मेरी तरफ से थोड़ा सहयोग है। और इसको एक समाज सेवा भी है और दूसरा एक तरीके से हमारा ऐड भी होता है। तो मैं चाहता हूँ कि हम हमारे इस थैली को, हम नहीं इवन सबके लिए मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इस थैली को या फिर इस बैग को, पेपर बैग को, हम मार्केट में इतना अवेलेबल कर दें कि लोगों को थैली लेने की जरूरत ना पड़े जी। और इससे हमारा महाराष्ट्र, हमारी मुंबई और हमारा इंडिया जो है वो थैली मुक्त होगी, प्लास्टिक मुक्त होगी। किस तरह की थैली है जो थैली बैन हुआ है, उसमें इसमें क्या फर्क है? क्या होता है, जो प्लास्टिक बैग होता है वो अगर जमीन में जाता है, कीचड़ में जाता है, गटर नालों में जाता है, तो वहाँ जाने के बाद वो सड़ता नहीं है। ये जो है, ये अगर जमीन में गया तो ये सड़ जाने वाला चीज है। और ये एक तरीके का पेपर बैग है, अच्छा पेपर बैग है। और इससे क्या होगा कि, और मेरा टारगेट ये है ना कि हम इसको मार्केट में इतना अवेलेबल कर दें, इवन मीरा भाईंदर को हम इतना दे दें, जो मेरा उद्देश्य है, ऊपर वाला हमको सक्सेस किया तो, कि हर किसी के पास ये थैली होगी तो लोगों के पास ये चीज रहेगा तो थैली लेंगे नहीं। चार्ज लेकर कर रहे हैं या मुफ्त में कर रहे हैं? जी नहीं, ये हमारा मुफ्त वितरण है। और एक तरीके से मेरे से जितना हो सकता है मैं आम पब्लिक को सहयोग करना चाहता हूँ। हमारी टीम होगी जो कि लोगों से मिलेगी, और जो लोग थैली लेके जा रहे होंगे उसमें भाजी हो या कोई भी चीज़ हो, हमारी टीम होगी, हम उनसे थैली वापस लेंगे प्रेमवत मांग करके, और हमारे इस बैग को उनको देंगे कि सर आप ये बैग यूज कीजिए। मुझसे जितना हो सकेगा मैं उतना करूँगा मीरा भाईंदर के लिए। मेरा मैसेज ये है कि आज सरकार कोई चीज़ बनाती है या कोई कानून लगाती है तो हमको उसका विरोध करने के बजाय या उसमें किसी प्रकार का नुक्स निकालने के बजाय हमको सोचना चाहिए कि वो जिसने भी बनाया है उसको सोच समझ के बनाया है। तो लोगों को, एक आम पब्लिक को खुद चाहिए कि वो थैली न यूज करें। प्लस मैं सोसाइटी वालों से या सोशल लोग, जो लोग हैं सोशल, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि लोगों के बीच में ये चीज़ को दें। ये मेरा उद्देश्य है और मैं लोगों से विनती करूँगा कि वो खुद, जो जिससे जितना हो सके, वो मार्केट में इसको अवेलेबल कराने की कोशिश करें। राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।